नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रसीता उन्नीकृष्णन, असिस्टेंट डायरेक्टर, इग्नो रीजनल सेंटर कोचिन के सारे स्टाफ के बिहाफ से इस फेसबुक लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। इस फेसबुक लाइव सेशन के द्वारा मैं आपको कुछ चीज़ें NEP PDP पोर्टल में कैसे रजिस्टर करना है आपको बता के दूंगी, पर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। ये जो फेसबुक लाइव सेशन है, ये जो इसका जो फोकस है वो कॉलेज टीचर्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं। इग्नो को मैंडेट मिला हुआ है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफर करने के लिए ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये जो प्रोग्राम है अध्यापक गण के लिए हैं जो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। जो NEP PDP का जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है, ये एक 36 आवर 6 डेज़ का एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो UGC HRDC शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इक्विवेलेंट माना जाता है। और ये जो प्रोग्राम है, आप जैसे कि कॉलेज अध्यापक है, वो मैक्सिमम 9 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये प्रोग्राम से फ़ायदा ये है कि आप अपने API स्कोर में भी इस प्रोग्राम को के सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं। तो सबसे दो चीज़ें इस प्रोग्राम की आपको मेन है कि ये बिल्कुल सारे कॉलेज अध्यापक जो है ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, और ये आपके API स्कोर को ऐड करने में भी आपको बड़ी सहूलियत होगी। तो इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए एक कॉलेज अध्यापक जो मेरा ये फेसबुक लाइव सेशन देख रहे हैं, वो कैसे रजिस्टर करें? आपको पहले तो मैंने आपको एक जस्ट बैकग्राउंड बता दिया कि इस बैकग्राउंड की वजह से ही हम ये NEP PDP समत पोर्टल में रजिस्टर करना चाहिए। तो कैसे एक कॉलेज अध्यापक इस पर रजिस्टर कर सकते हैं, इस पर ये वीडियो बना है। तो इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे कि आप कैसे इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया जो भी टीचर्स हैं, ऑल ओवर इंडिया जो कॉलेजेस या कोई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और फ़ायदा ये होगा कि आप इसको अपने API स्कोर में भी दिखा सकते हैं। सो सारे जो देख रहे हैं ये फेसबुक लाइव सेशन, मैं फिर से आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपको जो वेबसाइट है इस प्रोग्राम में, अगर आप एक अध्यापक है और अगर आप इसको इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, यानी कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ एक कॉलेज अध्यापक होने के नाते आप प्लीज़ इस लिंक को ज़रूर याद रखिए। ये लिंक है igno.nep.pdp.samarth.ac.in। ये जो लिंक है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक क्लिक करते ही ये होम पेज इस रूप में खुलता है। तो इस होम पेज से आपको एक बेसिक आइडिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मिलेगा। इसमें अगर देखेंगे आप तो NEP 2020 के बारे में एक ब्रीफ आपको गाइडलाइंस और ब्रोशर दिया गया है। तो आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए इस प्रोग्राम ब्रोशर को, और इसके गाइडलाइंस भी दे रखे हैं। तो आपको इस प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब आप इस प्रोग्राम ब्रोशर और गाइडलाइंस से आपको आइडिया आ जाएगा। तो हम इस आपको आगे बताएंगे कि इस पर कैसे आप लॉगिन और रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो राइट साइड पे आपको दो आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, लॉगिन और रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको जाना है रजिस्टर आइकन पे। मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, ये प्रोग्राम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यानी कि इस पे आपको कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। और ये मिनिमम 6 दिन का प्रोग्राम है और मैक्सिमम 9 दिन का प्रोग्राम है। तो आप कहीं से भी अगर ये फेसबुक लाइव सेशन सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा ये आपको आग्रह है कि आप प्लीज़ इस साइट पे जाके आप रजिस्टर कीजिए। तो कैसे रजिस्टर करेंगे आप साइट पे, इसका एक हम प्रोसेस देख लेते हैं।
तो रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो तीन चीज़ें हैं, आपको आपके सॉफ्ट कॉपी और फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, आपका जो सिग्नेचर है, जो हस्ताक्षर है, आप इसको जस्ट एक हस्ताक्षर एक सफ़ेद पेपर पे आप कीजिए और उसका एक फ़ोटो लीजिए, आपके मोबाइल हैंडसेट से आप फ़ोटो लीजिए और जस्ट आप सेव करके रखिए। और आपका जो कॉलेज आईडी कार्ड है जिसमें आपका डेसिग्नेशन मेंशन किया गया है और आपका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम भी होगा, वो आईडी कार्ड भी आप स्कैन करके रखिए। सो ये जो मुख्य तीन चीज़ें हैं आपको ज़रूर याद रख ज़रूर स्कैन करके रखना है अगर आप इस पोर्टल पे रजिस्टर करना चाहते हैं। यानी कि तीन चीज़ें मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। पहली तो आपको फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी रखनी है, दूसरी सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी, और तीसरी आपकी कॉलेज आईडी कार्ड की कॉपी। सॉफ्ट कॉपी और फोटो की मिनिमम साइज़ होनी चाहिए 10 KB, और मैक्सिमम आपकी जो फाइल साइज़ है वो 100 KB के अंतर्गत होनी चाहिए, और जो फॉर्मेट जो एक्सेप्टेबल है वो .jpg और .jpeg फॉर्मेट है। हस्ताक्षर के भी आपको मिनिमम फाइल साइज़ जो है 10 KB है, और मैक्सिमम फाइल साइज़ है 100 KB है, और एक्सेप्टेड फॉर्मेट फिर से .jpg और .jpeg है। आपका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड है उसकी भी मिनिमम फाइल साइज़ 10 KB है, पर मैक्सिमम फाइल साइज़ इसकी 200 KB तक हो सकती है, और इसके जो एक्सेप्टेड फॉर्मेट्स है .jpg है, .jpeg है, और .pdf भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपका सिग्नेचर अगर जब आप सेव करते हैं जेपीजी फॉर्मेट में, हो सकता है कि इसकी साइज़ बड़ी हो, क्योंकि हमें हम इस पोर्टल में जब अप्लाई करते हैं तो इसकी साइज़ 100 KB होनी चाहिए। तो आप जेपीजी फॉर्मेट में इसको ओपन कीजिए, और जस्ट इसको आप राइट क्लिक करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है वो खुलेगा। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में आप इसको ओपन कीजिए और फिर आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है आपको रीसाइज करने का। उसके अलावा आपके पास फ्री वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जिससे आप इजीली ये जो जेपीजी में आपने जो सेव किए फाइल साइज है उसको रीसाइज कर सकते हैं। तो दोबारा मैं उस वेबसाइट पे जाती हूँ जहाँ आपको पहली बार दिखाया था। ये जो वेबसाइट का होम पेज है, अगर आप रजिस्टर आइकन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप नॉर्मल से आप जैसे ईमेल आईडी खोलते हैं अपना अपना, तो आप उसी तरह से आपको एक रजिस्टर करना है जिसमें आपको एप्लीकेंट का नाम, आपका जो ईमेल एड्रेस और आपका एक पासवर्ड, और इसको कंफर्म करके आपको रजिस्टर करना है। तो एक बार आप रजिस्टर करेंगे तो एक मेल आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे जिसमें आपका पासवर्ड भी होगा और आपके जो लॉगिन ईमेल एड्रेस भी होगा। तो ये जस्ट उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ। कैप्चा अभी दिया होता है लास्ट फील्ड में, तो वो आप ध्यान से एंटर कीजिए। तो एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, आपको दोबारा लॉगिन आईडी पे जाना है। लॉगिन आईडी पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने उस टाइम पे दिया है वो डालना है, आपको अपना पासवर्ड डालना है, और आपको आपका कैप्चर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप गलती से अपना पासवर्ड या कुछ भूल चुके हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। ये नॉर्मली जैसे हम ईमेल रजिस्टर करते हैं वैसा ही प्रोसेस है। तो जैसे ही आप अपने पोर्टल में लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले ये खुलता है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं NEP 2020 के बारे में। इस पे इंस्ट्रक्शंस पे आपको आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके एक लास्ट में एक लिंक है, इस पे आप क्लिक टिक लगा के आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो प्रोसीड करते टाइम आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको चार कैटेगरी है जो फिल करना है। जैसे एक तो पर्सनल कैटेगरी हो गई आपकी, दूसरी आपके हो गए करस्पॉन्डेंस डिटेल्स, तीसरा अपलोड्स, और चौथा है प्रीव्यू। तो पहला जो कैटेगरी है उसका स्क्रीनशॉट दिया गया है। पर्सनल डिटेल्स आपको अपने डालने हैं जिसमें आपको अपना कैटेगरी डालना है, आपका जेंडर डालना है, और आपका रिलीजन और डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स आपको फिल करने हैं।
और ये सब डिटेल आप फिल करने के बाद, अगर जब आप अपना सबमिट बटन दबाएंगे, तो आपका फर्स्ट सेट ऑफ डिटेल्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आपके पर्सनल डिटेल्स इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं और आप इसको एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू करके अगर आपको कोई डिटेल्स गलत लगते हैं, तो आपको एडिट करने का भी ऑप्शन दिया है। फिर आप अगर नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे, तो आप जो है वो नेक्स्ट डिटेल्स में जाएंगे। तो जो नेक्स्ट डिटेल्स है क्या है? करस्पॉन्डेंस डिटेल्स। तो इसमें आपको अपना एड्रेस और आपका पिन कोड वगैरह सही से देना है, जिससे आपका जो करस्पॉन्डेंस है वो करेक्ट हो, और आप इसको सबमिट बटन दबाइए। अगेन आपको ये प्रीव्यू में दिखाएगा, और आपको एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। अगेन ये जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के बाद आप जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के बाद अगेन आपको तीसरा ऑप्शन जो आता है वो है अपलोड्स का ऑप्शन। तो जो मैंने पहले तीन चीज़ें जो आपको मेन बताई थी, एक तो आपका फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, और आपका वैलिड इंस्टीट्यूशनल आईडी कार्ड हो गया। ये तीन चीज़ें आपको सेलेक्ट फाइल करके अपलोड करनी है। अगर आपने गलती से कुछ गलत फाइल अपलोड कर दी, तो आपको डिलीट का भी ऑप्शन है, और आप ये तीनों चीज़ें 100 KB में करके आप प्लीज़ अपलोड कीजिए, और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके जो प्रीव्यू कर सकते हैं, आप ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं आपको कुछ करना है तो, ठीक है। आपको प्रीव्यू पेज जैसे तीन पेज का होता है, तो आप अच्छे से देख लीजिए आपके जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट है। अगर कुछ भी आपको कहीं कुछ गड़बड़ सी लग रही है, या आपने कुछ गलत डिटेल्स एंटर किए, तो आप प्लीज़ मॉडिफाई दिस सेक्शन करके आप फिर से इसको एडिट कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ एक चीज़ बात का ध्यान आप ज़रूर रखिए, हमेशा प्रीव्यू करते टाइम आप अच्छे से एक बार अपना जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो पढ़ के देखिए, और फिर ही आप आई एग्री पे क्लिक कीजिए। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट माय एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। तो इससे आपका एप्लीकेशन समरी आएगा, और इसमें एक कंट्रोल नंबर दिया गया है। ये कंट्रोल नंबर आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है या कुछ हो, तो आप रीजनल सेंटर कोचिन को भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस संबंध में, और आपका जो कंफर्मेशन है वो भी आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। तो आप अगर आप प्रिंटआउट लेके रखेंगे, तो प्रिंटआउट इस रूप में आएगा, आप अपना प्रिंटआउट भी लेके रख सकते हैं। तो ये जो मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन आपको अभी तक बताया है, ये जो इंफॉर्मेशन है एक लीफलेट के इसमें भी अवेलेबल है, और ये जो वन पेज जो लीफलेट है, ये हमारे रीजनल सेंटर कोचिन वेबसाइट डेट इज़ www.rckochin.ignu.ac.in में ऑलरेडी अपलोडेड है। आप डिटेल में चाहिए तो आप ये इस वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसमें ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये ऑलरेडी दी गई है। तो वंस अगेन मैं दो तीन चीज़ों का इस पे जिक्र ज़्यादा करना चाहती हूँ, कि एक तो ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ पढ़ाने वाले टीचर्स, जो कॉलेज टीचर्स हैं, उनके लिए है ये प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये मिनिमम 6 डेज का है, और ये आपके एपीआई स्कोर में भी ऐड आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा जो आग्रह है कि जितने कॉलेज टीचर्स इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल रजिस्टर करें, ताकि आप ये अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वीडियो सुनने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।